हाँ दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं जयदेश। जयदेश में आपका स्वागत है। शिव बरात जो आज से नहीं, लगभग 200 साल से ये परंपरा लगातार चली आ रही है, और यहाँ पे देखिए जय सैलाब उमड़ा हुआ है। सारे लोग ये चाहते हैं कि ये जो पल है वो क्षण है, मोबाइल में कैद करें और देखें किस तरीके से यहाँ पे जय सैलाब उमड़ा हुआ है। दूर दूर से लोग आए हुए हैं, और वो क्षण वो पल हर लोग हर काशीवासी यही चाहते हैं कि बरात का हम गवाही बैठे। आप यह लगातार देखिए किस तरीके से यहाँ पे लगातार ये देखे जाएंगे। निकल रही है और भव्य और दिव्य। आपको बता दें कि ये जो परंपरा है लगभग 30 साल से ऊपर की ये परंपरा लगातार निरंतर चली आ रही है, और देखिए कि यहाँ पे शिव भक्त बाबा के बरात में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए किस तरीके से सारे हर हर महादेव के नारे भी लगा रहे हैं। सीधे तौर पर हम चलते हैं और दिखलाते हैं कि किस तरीके से शिव बरात में भक्त आए हुए हैं। तो लगातार अपनी नजरें बनाए रखिए और देखिए कहाँ हम आपको लेकर चलते हैं। तमाम लोग आए हुए हैं बरात शामिल होने के लिए, और यहाँ पे देखिए कि तमाम हथियार हैं, और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बाबा के बरात में एक जानवर भी आया है का भगवान के बरात में भी आए हुए हैं। सांप यहाँ बड़े पैमाने पे भक्त में एक जो भक्त है वो लोग आए। और आपको बता दें कि यहाँ टाटा लगभग 3-4 किलोमीटर एरिया में है, और यहाँ भी आपकी पलके जाएंगे, लेकिन देखिए तो उनके किस तरीके से लोग देखेंगे बड़े हैं। यह शिव बरात लगभग 30 सालों से परंपरा जो यहाँ की जो शिव बरात है वो निकाली जा रही है। तो आज देखिए जो शिव बरात किस तरीके से यहाँ पे निकलती है, सारे यहाँ के काशीवासी सारे लोग यहाँ पे शिव के बरात में शामिल होने आए हुए हैं, और दूर दूर से ये परंपरा आज लगातार आया मैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एकदम रूप धारण किए हैं महादेव के नारे हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे देखिए कि अब भव्य और दिव्य जो झांकियाँ हैं यहाँ पे झांकियाँ बस निकलने वाली हैं, कुछ क्षण में यहाँ पे झांकी निकलनेगी। और जो बनारस की जो परंपरा है निरंतर लगातार चली आ रही है, जिस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे काली और महादेव, और पीछे देखिए किस तरीके से गणेश जी लगे हुए हैं। लगातार ये रिपोर्ट हम दिखलाएंगे, हमारी नज़रें हर वो जगह हर वो झांकी पे जाएगी जहाँ हमें जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक दिखलाएंगे। क्या कुछ कहेंगे, ये हमारी नगरी है बनारस, और हम लोग तो हर साल ही आते हैं। आपसे भी निवेदन, आप आके एक बार इसका दर्शन करिए, आपका मतलब आप खुद अंदर से अच्छा महसूस करेंगे। बहुत ऐसे दर्शनार्थी हैं जो पहली बार आए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जो पहली बार आए हैं, जो एक बार आ चुके हैं, वो हमेशा आना चाहेंगे। बस एक बार आपसे अनुरोध है कि आप दर्शन करें आके।
बाबा के साथ है कि माता पार्वती के साथ है? दोनों के साथ है, हमारी नगरी में दोनों लोग का दिन है, बाबा का भी माता पार्वती का भी। माता जी किसके पक्ष में है? दोनों किसके पक्ष में है, बाबा के या माता गौरा के? माता गौरा के। माता गौरा के साथ है कि बाबा भोले के? हम लोग दोनों के साथ है भैया, एक के साथ क्यों रहेंगे? हम तो दोनों की तरफ से, अभी बारात की तरफ से, वहाँ पहुँचने बाद माता की तरफ से, वो हमारे माता पिता है ना, बड़ा परम परमेश्वर, तो हम दोनों तरफ से। क्या कहेंगे भाई? दोनों तरफ से है। भोलेनाथ जी के पक्ष में आज बारात में शामिल आए हुए, क्या कुछ कहेंगे? बहुत कुछ अच्छा लग रहा है देख कर, बहुत सारे इंसाइनमेंट है। और क्या कुछ कहेंगे आज जो बारात में शामिल हुए हैं? बारात का बाबा, बाबा का बारात बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत विशाल बारात था इस समय, इरा साल बहुत अच्छा लगा। तो देखिए जिस तरीके से हजारों लोग आज इस बारात में आए हैं और शामिल हुए हैं, क्या बूढ़े क्या जवान सभी इस भक्त में लीन है और हर लोग उनके पांव खिड़क रहे हैं। डीजे हुआ, साउंड हुआ, इत्यादि चीज यहाँ पे बजाए जा रहे हैं और आपकी जहाँ तक पलके जाएंगे, हमारे सहयोगी दिखाएं, देखिए जहाँ तक आपकी पलके जाएंगी सिर्फ यहाँ पे काशी के लोग ही दिखेंगे। ये काशी के लोग हैं, ये बराती हैं, घराती हैं, सभी लोग इसमें शामिल हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे, जिस तरीके से यहाँ पे तमाम काशी की महिलाएं हर हर महादेव के साथ उस घोष भी कर गए। तो हम अभी सीधे तौर पे चलते हैं, तो हाथ निश्चित करके बाबू जी आज बारात में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है, साल में एक बार मौका मिलता है बाबा विश्वनाथ की शादी में जाने का, उसमें सम्मिलित। क्या कहेंगे आज बाबा की बारात निकल रही है, क्या कहेंगे? क्या बाबा की बारात में शामिल हुए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रही है। देखिए यहाँ पे झांकियाँ भी आई हुई है, किस तरीके से तमाम तरीके के गाने भी बजाए जा रहे हैं। और तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे लाग निकलते हैं और यहाँ पे दूर दूर से लोग आए हुए हैं, वो क्षण वो पल हर लोग चाहता है कि क्षण को कैमरे में कैद करने के लिए लोग लगे हुए हैं। और देखिए यहाँ पे जिस तरीके से लाग लगातार, ये लाग रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कम से कम ये 2 से 3 किलोमीटर की एरिया में ये लाग चल रहा है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से डीजे साउंड इत्यादि बज रहे हैं। आप इस बढ़िया लग रहा है, पहले बार आए हैं? नहीं, हम यहीं के निवासी हैं। क्या कहेंगे बाबा की बारात में? हर हर महादेव। क्या कहेंगे आप? तो भी क्या बाबा के बारात में आई है? हर हर महादेव। इधर होकर हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो देखिए तमाम लोग हैं और हम लगातार रिपोर्ट करते रहेंगे, कुछ और भी चीजें दिखलाएंगे। थोड़ा सा हमें विराम दीजिए, हम और अभी बीच में चलेंगे और भी हम आपको तमाम खबरें दिखलाते रहेंगे। बारात निकल चुकी है और यहाँ पे हजारों लोग इनके बारात में शामिल होने के लिए आ गए। यहाँ देखिए कि ढोल नगाड़े इत्यादि चीज बज रहे हैं और यहाँ पे जो काशी के लोग हैं वो इस बारात में शामिल होने आए हैं। क्या कुछ कहेंगे? ये परंपरा कब से चली आ रही है? 50 साल पुरानी है। 50 साल पुरानी ये परंपरा है, हर साल शिवरात्रि वाले दिन ये बारात निकलता है, यही यहाँ की खासियत है काशी का। और क्या कहेंगे यहाँ पे जो परंपरा है लगातार चली आ रही है, आज बारात भी निकली जा रही है उसके लिए? अरे इतना अच्छी बात कहाँ देखने को मिलता है, ये सिर्फ बनारस में ही देखने को आपको मिलेगा, और इतना अच्छा बारात कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और भी लोग हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। भैया बारात देखने आए हैं, पहली बार आए हैं या कई बार देख चुके हैं? नहीं, यहाँ तो पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लगा, जो भी है बहुत अच्छा है और हर जगह का माहौल ठीक ठाक है, शांति पूर्वक से हो रहा है। क्या कहेंगे आज जो बारात में शामिल हो गए हैं आप लोग? पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज बारात में शामिल होने आए हैं, कहेंगे? बारात में शामिल होने आए हैं और भी लोग हैं। थोड़ा सा ये देखिए, तमाम यहाँ पे महिलाएं भी आई हुई हैं इस बारात में शामिल होने के लिए। थोड़ा सा हम बात करते हैं,
ये पल ये क्षण कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा दिख रहा है। शामिल इससे खुशी की बात क्या हो सकती है माधव के बरात से ज्यादा? बाबा विश्वनाथ की नगरी में उनकी बारात में का आनंद ही अलग है। मैं उनके बारात में आने का एक अलग ही अनुभव है। माता जी क्या कहेंगी आज जो बारात में शामिल हुई है? बस हम तो यहाँ के शिव की नगरी में आए हैं और जो है यहाँ शिव की बारात देखने आए हैं। यही क्या महिमा है। और भी लोग हैं थोड़ा सा उनसे भी चार बारात देखने आए हैं, कैसा दिखा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है बारात देख के हमको, बहुत अच्छा लग रहा है। बोले कहने का भी बहुत अच्छा लग रहा है बारात देखने आए तो। हैं तो बाबा के पक्ष से, बाबा जी से, बाबा भैया क्या कहेंगे इनका वर्णन क्या करें? इनका वर्णन करने पर बाकी सब फीका हो जाएगा, इसलिए आप आनंद लें। इस आनंद को वर्णन से नहीं किया जा सकता, इसलिए आप केवल आनंद लें। जो आनंद हृदय में होगा वो ही सबसे अच्छा है। तरीके से तमाम लोग आज बाबा भोलेनाथ की बारात निकली हुई है, आप लोग शामिल होने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये सब भोलेनाथ की महिमा है कि हम लोग इस सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भोलेनाथ के बारात में हम लोग शामिल हो पाए। हम लोग बनारस के नहीं, हम लोग पटना से आए। क्या कहेंगे आज? सूरत से आए हम लोग और हम लोग यहाँ भोलेनाथ का दर्शन करके बहुत बहुत खुश हो गए, मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच। तरीके से यहाँ पे कहा के क्या कहेंगे आज बारात में शामिल होने आई है आप? छोटे छोटे बच्चे भी बाबा के भोलेनाथ की शादी में आए हैं, अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस भी कर रहे हैं कि हम बाबा भोलेनाथ की माता गौरा की बारात में आए हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई है और बाबा की बारात में हर लोग चाहता है कि ये हम इनके बारात में शामिल हों। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए, जय देश के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।